मैं सुबह गई थी उसे लेने, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, शायद उसे एक और रात वहां रहने देना चाहिए था। सॉरी, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप उसकी बहन हैं, आप सही फैसला लेंगे। मैं अब तक नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर कादर। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि अगर शफाक मेरा भाई नहीं होता तो उसे क्या सजा होती। मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए हमें। ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। ये सोचने से पहले हमें सलीम के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। पुलिस भी सिलसिले में काम कर रही है। शायद अब सही है। शफाक ने मुझे पागल कर दिया है। देखा ना क्या किया उसने। खैर, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे वो टीचर के बारे में जानना था। कौन से टीचर? मेरी जगह जो आने वाले थे। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था। टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक कोई मिला नहीं है मुझे। एक मिले थे, लेकिन उनकी कंडीशंस हमसे नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस तुर्कान, अगर आपको लगता है वक्त के साथ मेरा फैसला बदलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैंने तय कर लिया है। जानती हूँ मैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मिस्टर कादिर। हम आपका और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जितना जल्दी होगा हम नया टीचर ढूंढ ही लेंगे। थैंक यू वंस अगेन।